अस्सलाम वालेकुम फनकार्स, मैं हूं मोहम्मद अली आगा फजान सलीम के साथ। और व्यूवर्स, आज फिर हम आपके लिए कार्ड लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दफा आपके लिए कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ यूनिक लेके आते रहते हैं, तो आज फिर अगेन एक बड़ी विंटेज कार हम लेके आए हैं, जो कि बड़ी एंटीक पीसेज नहीं होते उनमें आती है। उस कार का नाम है जी निसान फिगारो। तो फर्स्ट आप इसकी लुक देखें, अगेन चेक करें जरा यार, बिल्कुल एंटीक कार है। शॉर्ट उम्मीद करता हूँ आपने उसमें देख ली होगी, इसका एक 360 व्यू जो है हम आपको शॉर्ट में जैसा कि दिखाते हैं। तो यार अगर हम ओवरऑल लुक की अगर हम इसमें बात कर लें, तो आप देख सकते हैं ऐसी कार पता है कहाँ देखने में मिलती थी हमें, अक्सर हॉलीवुड की ना जो एक्शन मूवीज होती थी ना उनमें देखने में मिलती थी, ओल्ड स्टाइल जेम्स बॉन्ड टाइप ना। तो अगर हम इसकी लाइट की बात कर लें, तो राउंड शेप में बड़ी खूबसूरत हैलोजन में आती थी। इंडिकेटर आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे ना ग्रिल के अंदर दिए जाते थे, क्रोम की ट्रिमिंग के अंदर इसकी ये ग्रिल आती थी। और यहाँ पे अगर आप जूम करके दिखाएं, तो ये जो इंग्लिश स्टाइल में आप देख सकते हैं इसका लोगो निसान फिगारो, जैसा कि यहाँ पे मेंशन दिया है वो दिया गया है। तो ओवरऑल जो है ना इसकी कार की आप लुक देखें, बड़ी क्यूट, बड़ी जबरदस्त किस्म की इसकी ना लुक आपके सामने अवेल होती है। और यहाँ पे अगर आप दिखा सकें, तो ये जो इसके बम्पर है ना, उस टाइम प्लास्टिक में नहीं आते थे, ये देखें आप आयरन में इसके बम्पर दिए जाते थे। और कार अवेलेबल जिनके पास है वो है कश्मीर मोटर्स, ये है इनका कॉन्टेक्ट नंबर, आप इनसे फर्दर इंफॉर्मेशन इजीली ले सकते हैं। इसी तरह हम कार के इस तरफ साइड पर आते हैं, तो मैक्सिस का टायर इसमें लगा हुआ है। और अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात कर लें, तो 175/70 और 12 साइज का इसके अंदर स्टील रिम आता है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं व्हील कप भी लगा हुआ है, और फिगारो का नेम भी इसके अंदर मेंशन है। तो ओवरऑल ये इसके टायर की प्रोफाइल है। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना इसकी आपको मिलती थी 150 mm में। साइड पर फेंडर में इसके भी एज यूजुअल इंडिकेटर माउंट होते थे और सिंपल मिरर आते थे इसके साथ। डोर हैंडल की बात कर लें, तो क्रोम में बड़े जबरदस्त डोर हैंडल। और अगर इसकी यहाँ से अगर हम लुक देखें, तो बैक की तरफ जो है कर्व टर्न होता हुआ आता था। फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो थी ना इसकी 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी। और थोड़ा बैक साइड पे इसके जो बूट है, उसकी बूट की अगर मैं बात कर लूँ, तो आपको ऑलमोस्ट 280 लीटर में इसकी बूट भी अवेल हो जाती थी। अक्सर आपने देखा होगा हॉरर मूवीज में ना, यहाँ से ऐसे करके इसकी बूट खोलते थे और अंदर से ऐसे करके लाश निकाल लेते थे। तो बिल्कुल वही वाली कार है, यानी कि उसी स्टाइल की कार है ये। और अगेन फिगारो द नेम मेंशन है क्रोम के अंदर इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े राउंड शेप में इंडिकेटर, जो कि हेलोजिन लैंप के अंदर थे। बैक लैंप आपको मिलता था अगेन हेलोजिन में, रेड में, अगेन आयरन में इसका। अगेन बम्पर मिलता था आपको, और बैक लाइट ये देख सकते हैं आप तब भी थी। और कार अवेलेबल किनके पास थी जी, ये थी कश्मीर मोटर्स के पास, मौलाना शौकत अली रोड जोहर टाउन के पास। और ये इनके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, इन पे आप कॉल करके इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये कुछ थी इसकी एक्सटीरियर की खूबसूरत सी प्यारी सी कार की एक्सटीरियर की लुक्स। तो अब मैं आपको इसके अंदर की तरफ भी लिए चलता हूँ, तो आए मेरे साथ आए, ये चेक करें जरा। बेज कलर में बड़ा ही खूबसूरत और एंटीक किस्म का, यूनिक किस्म का आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बाहर इसका दिखाया था वो इंग्लिश स्टाइल का लोगो, यहाँ पे भी इसके है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल जो है इसके, मिरर का ऑप्शन है, ये आपका डोर हैंडल आ गया, लॉक का ऑप्शन आ गया, स्पीकर इसके अंदर आप देख सकते हैं, उस टाइम JVC के इसके अंदर स्पीकर दिए गए थे। इस तरफ अगर आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक खूबसूरत सा स्टेयरिंग व्हील भी मिलता है, जो कि अगेन इसका जो मेन बैजिंग थी उससे रिजेंबल करता था। हॉर्न का यहाँ पे मीटर की अगर हम बात कर लें लुक की, तो मीटर भी राउंड शेप में आता था इसका। डायल पूरा 180 की मैक्सिमम स्पीड थी, एक तरफ इसकी फ्यूल की गेज थी, एक तरफ हीटिंग कूलिंग की गेज थी। आरपीएम 8000 RPM थे, और सेंटर में जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत सी आपको टाइम के लिए क्लॉक भी दी गई थी। ओल्ड स्टाइल था अगेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके एसी वेंट्स, छोटे छोटे एसी वेंट्स इसके अंदर दिए गए थे। और इसके अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर अवेलेबल है, और उस टाइम पे प्री वगैरह नहीं आती थी, आपको एक डिस्क प्लेयर मिलता था या FM का ऑप्शन होता था। नीचे यहाँ पे जैसे कि आप देख भी सकते हैं फिगारो का ये सेटअप इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ये कुछ AC के कंट्रोल्स वगैरह हैं, कोल्ड, हॉट, ऑफ, ये सारे ऑप्शन है। ग्लव बॉक्स अगर आप खोल के दिखाएं यहाँ पर, तो ग्लव बॉक्स में एक अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जाती थी उस टाइम पे भी। और जैसे कि इसके आउटर लुक में है, वैसे ही इसके टू टोन में इसका ओवरऑल डैशबोर्ड की लुक बड़ी खूबसूरत दी गई है। बैक का ये साइड मिरर है, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाते हैं,
और ये रूफ टॉप आप देख सकते हैं आपको जो है वो कन्वर्टेबल मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके सीट्स की बात कर लें तो सीट्स आपको देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टेबल सीट्स हैं और बेज कलर में इसका इंटीरियर है, ब्लैक इसकी यहाँ पे लाइनिंग हुई है तो इसको बहुत ही एक खूबसूरत लुक दे रही है। अब ये तो हो गई जी 2% की सीटिंग कैपेसिटी। तो इसके अलावा अगर आप अपने सीटिंग कैपेसिटी को इनहेंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्दर आपके 2% और भी इसके अंदर बैठ सकते हैं, यानी कि आपकी ओवरऑल जो है ना 4% की सीटिंग कैपेसिटी इस कार के अंदर आपको अवेल है। लेकिन बैक पर्सन मुझे समझ नहीं आ रहा यार यहाँ पे मतलब बैठेगा या लेटेगा। इसके अलावा जेवीसी का रेट यहाँ पे आप दिखा सकें जूम करके, तो स्पीकर भी इसके अंदर ऐड है। तो ये थी इसकी इंटीरियर की लुक, एक्सटीरियर की लुक। फर्दर जो है इसकी रहेगी इंफॉर्मेशन इंजन की और माइलेज की, और बात रहेगी प्राइस की। तो प्राइस जो है ना यार इस पे कोई प्रोमो कोड नहीं है, कोई इसका कोई भी जो है ना डिस्काउंट वाला ऑप्शन है ही नहीं। 55 लाख रुपीज इसकी फाइनल जो है ना कॉस्ट है, फाइनल कॉल है, यानी कि इससे ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे, 55 लाख रुपीज में फाइनल आपको ये कार अवेल हो जाएगी। तो फर्दर अब मैं आपको उसके इंजन की बातें बताता हूँ जी। तो व्यूवर्स आज हम आपको एक एंटीक कार का रिव्यू दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी एक और एंटीकनेस दिखा दूं। ये देखें आप इसका जो है ना बोनट उल्टा खुलता है, यानी कि जनरली आपने देखा कि यहाँ से बैक साइड की तरफ खुलता है, लेकिन ये बैक साइड से फ्रंट साइड की तरफ खुल रहा है। और ये टोटल यूनिक कार है, तो सारा कुछ इसका यूनिक है। और जो इसका टाइप है ना इंजन का वो पेट्रोल टाइप है। 1000 cc में ये कार आती है और 2 इनलाइन सिलेंडर के साथ आती है। और इसके अलावा 80 हॉर्स पावर जो है ना ये जनरेट करती है तकरीबन 6000 rpm पे। 106 यानी 106 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है 4400 rpm पे, ठीक है जी। और इसका जो है ना डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम था और सिंगल ओवर हेडेड कैम यानी SOHC जो है ना इसका वॉल मैकेनिज्म था। और इसके अलावा अगर हम इसकी बात कर लें माइलेज की, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माइलेज जो है ना इसकी इंटरसिटी में तकरीबन आपको 15-16 किलोमीटर पर लीटर दे देगी। और अगर आप जा रहे हैं हाईवे पर तो हाईवे पर इसकी जो माइलेज है ना वो जो है ना 17-18 किलोमीटर पर लीटर आपकी माइलेज है, अगेन डिपेंड करता है आपके पैडल पर। और इसके अलावा इसका यहाँ से थोड़ा सा नीचे अगर आप दिखा सकें तो जो इसकी सस्पेंशन है वो मैकपर्सन स्ट्रट कॉइल स्प्रिंग है, और जो ब्रेक्स हैं इसकी बोथ साइड की जो है ना सॉलिड डिस्क ब्रेक्स इसके अंदर यूज हुई हुई हैं। जी तो व्यूअर्स आई होप कि आपको हमारी जो है ना आज की निसान फिगारो जो कि मॉडल है 1991 का वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक कर दें। और ये जो है कन्वर्टेबल है अगेन 4% की सीटिंग कैपेसिटी के साथ, और ये अवेलेबल है कश्मीर मोटर्स के पास। जो इसकी फाइनल कॉल है ना यानी कि टोटल फाइनल कॉल 55 लाख रुपीज है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। इस पे कोई हमारा प्रोमो कोड नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। फाइनल प्राइस इसकी फाइनल कॉल 55 लाख रुपया है। तो जिसने भी इसको परचेज करना है मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप इनसे कॉल करें और फर्दर इन्फॉर्मेशन भी इसकी ले सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप इसके जानना चाहते हैं अल्टरनेटिव में, और इससे मतलब के करंट मॉडल जो है जदीद टेक्नोलॉजी में, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं कूपन एक्सप्ले या कूपन रोब, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो कि इसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा। लेकिन यस ये जो है ना ये महंगा शौक है, शौकीन बंदे इसको खरीदेगा जो खरीदेगा, ठीक है जी। तो शौकीन बंदो आपके लिए ये 55 लाख रुपए में निशान फिगारो अवेल है। आपको हमारा रिव्यू पसंद आ गया तो अगेन वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि फर्दर भी हम आपके लिए कोई नई कार, कोई एंटीक कार आपके लिए ढूंढ के तो आपकी खिदमत में हम वो पेश कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।